कौन सी गाड़ी एक्शन और ये पिलर वाला सांप पे नजर गई और पिलर वाले सांप तुम्हारे डरते हुए जहाँ लटक देखते हुए वेट नाइस आगे बढ़ और आ गया एंड अभी सामने वाली घंटी देखकर भाग जाना बढ़िया एक्शन आज का सीक्वेंस जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं बूंदी को पुरानी अबैंडन शिव मंदिर में आना है जहाँ पर बहुत सारे जहरीले सांप हैं एंड बूंदी काफ़ी डर रही है सो लेट्स सी अब बूंदी जा पाती है नहीं जा पाती है बट उसी दौरान काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में बूंदी काफ़ी कुछ रिवील भी कर देती है सब देखते हैं क्या होता है और यहाँ पे देखा गया दादी जबरदस्ती बंदूक किलो पे आपको भेज रहे हैं और आप गुस्से में आके अपने कुछ एक सीक्वेंस को खोला है बोल खोला है जी रिवीलेशन तो हुई है वो आपको टेलीकास्ट में देखना पड़ेगा कि मैंने क्या बताया एक तरफ केजू को पागल किया जा रहा है और एक तरफ यहाँ पे शंभू को किडनैप किया गया है क्या दर्शकों को क्या एक सीक्वेंस एक ड्रामा क्या देखने को मिलने वाला है काफी काफी ड्रामा है टेलीकास्ट में और काफी टर्न्स एंड ट्विस्ट हो रहे हैं सो आई थिंक ये आप सबको एंटरटेनिंग लगे एंड एंटरटेन हो आप सब सो आई रियली होप फॉर द बेस्ट साधु के भेस में कौन आया हुआ था हमें नहीं पता बोले वो तो आपको पता है अच्छा एक बात और लता दीदी इस दुनिया को अलविदा कह गई बसंत पंचमी जब आई और उसी दौरान उनका हुआ स्वर क्या एक सेकंड में जाना जी मैडम क्या कहना चाहेंगे लता दीदी संसार को अलविदा कह गई ऑब्वियसली काफ़ी सैड न्यूज़ एंड शी वॉज अ लेजेंडरी सिंगर एंड उनके जैसे डेफिनेटली कोई भी नहीं है एंड ऑल आई कैन से अब वो जहाँ पर भी आई होप शी will be safe and she will be happy and definitely as a legendary singers artists ko to hum bhool nahi payenge and unko yaad karne ka sirf ek hi tarika hai unke pyare gaane unki surili aawaz and I would say ki lata ma'am jaise singer I don't think so aage exist honge because unki aawaz Like it was something different only. मतलब उनकी आवाज़ सुन के एक सुकून एक राहत मिलती है सो आई फील उनके जैसा कोई भी नहीं है कहते हैं कि उनके गले में सरस्वती माँ का वास था जी. और बसंत पंचमी यानी सरस्वती माता का ही एक त्यौहार के रूप में मनाया आई जाना पड़ेगा